बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि अमरवाड़ा उपचुनाव काफी अहम है। बीजेपी से कमलेश शाह चुनावी मैदान में हैं। वहीं बुधनी और विजयपुर पर कहा कि चुनाव आयोग चुनाव की तारीख तय करेगा, हम पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कल मध्य प्रदेश के अंदर छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ विधानसभा का चुनाव है और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भाई कमलेश शाह चुनावी मैदान में हैं। मैं अमरवाड़ा विधानसभा की सभी जनता जनार्दन से अपील करता हूं, इस लोकतंत्र के महापर्व के इस विधानसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आपका एक मत अमरवाड़ा विधानसभा के विकास को सुनिश्चित करेगा। देखिए, कोई भी संगठन पद्धति के आधार पर तब खड़ा होता है, पीढ़ियां निकल जाती हैं। ये कह देना कि कौन किसके तर्ज पर काम करेगा ये आसान नहीं। लाखों लोग अपना जीवन लगा देते हैं। संघ की तरफ थोड़ा देख तो लें आकर के, तो समझ में आएगी कि संघ ने इस देश के लिए, समाज के लिए कितना बलिदान और कितनी भूमिका और कितना त्याग और समर्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस देश के लिए किया है, उसके अपने कार्यकर्ताओं ने किया है। इसलिए ऐसे लाखों लाख कार्यकर्ताओं का श्रम, मेहनत, समर्पण होता है, तब जाकर के संगठन खड़ा होता है। पहले राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, गांधी परिवार को जरा पूछ तो ले वो जो ये काम करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि संघ तो राष्ट्रवादी विचार पर, और संघ ने तो राम मंदिर का आंदोलन चलाया, वो तो राम मंदिर के आंदोलन को ही जीत रहे हैं। ये तो बेईमानी है शब्द कहना। वो इस धारा को रोक तो पा नहीं रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस के नेता अस्तित्व खो चुके हैं, अप्रासंगिक हो गए हैं, तो कांग्रेस के लोग मैदान छोड़ छोड़ के पहले भाग गए और अभी भी भाग रहे हैं। तो वो केवल शिकायत और यही कर सकते हैं, इसके अलावा और उनके पास कुछ नहीं बचा।